मुरादाबाद के थाना मैनठेर के इलाके गांगन तिराहे के पास कल शाम फर्म कर्मी की बस से कुचलकर मौत हो गई है। थाना कटघर के इलाके डबल फाटक दुर्गेश नगर निवासी 58 वर्षीय सुरेश चंद्र थाना मैनठेर स्थित गांगन तिराहे के पास मौजूद रेशु हैंडीक्राफ्ट फर्म में काम करता था। फर्म मालिक ने उसे किसी काम से दुकान पर भेजा था। जैसे ही सुरेश चंद्र सड़क के बीच पहुंचा, तेज रफ्तार में आती प्राइवेट बस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। घायल सुरेश को लोगों व पुलिस की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक उसकी रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। थाना मैनेजर पुलिस ने अज्ञात प्राइवेट बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। मृतक सुरेश चंद्र की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। परिवार में उसके चार बेटे और बेटियां बताई जाती हैं। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये रहते थे तो चावल फाटक पे थे, गागन के चौराहे पे, वहाँ पे गए थे किसी काम से, फैक्ट्री है वहाँ पर। तो वहाँ से बिलारी की तरफ से बस आ रही थी प्राइवेट वाली, सड़क किनारे खड़े थे, वो टक्कर मार के अपना जो है। ये बाइक पर थे? नहीं, ये पैदल थे। अकेले थे? कोई अकेले और थे? अकेले थे। करते क्या थे काम? ये वहीं पर एक फैक्ट्री थी, वहीं पर जो है अंदर कागज वागज का अपना। बच्चे वगैरह कितने हैं इनके? चार बेटे हैं, एक बेटी है। और बस वाला टक्कर मार के भाग गया है, और जो है अभी कोई पता नहीं चल पाया उसका। एक्सीडेंट कहाँ हुआ? एक्सीडेंट संबल वाली गागन के चौराहा है, उससे थोड़ा सा दो चार कदम आगे।